नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर कथा व्यास को किया सम्मानित। कथा व्यास ने कहा, मित्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बिलारी के ग्राम अमरपुर काशी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके विश्राम दिवस पर कथा व्यास पंडित ओम कृष्ण शास्त्री को सम्मानित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंडित ओम कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान की अन्य कथाओं का वर्णन किया गया, जिसमें कथा के विश्राम दिवस पर कंस वध, उधु और गोपी संवाद, भगवान श्री कृष्ण के विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष आदि मुख्य कथा रही। इस अवसर पर पंडित अवनीश कुमार शर्मा द्वारा सुंदर सुंदर भजन गायन किया गया, जिसमें कीबोर्ड पर गोविंद सिंह, पीर पर सौरभ सिंह, ढोलक पर विजय कुमार ने संगीत द्वारा भक्तों को भाव विभोर कर दिया। मोहन लाल शर्मा, हिंदुस्तान न्यूज पेपर, विक्रांत जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी, मुकुल पांडे, ठाकुर हरीश सिंह, लॉ कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार यादव, अवनीश शर्मा, डॉक्टर जगदीश सैनी, सुरेंद्र सिंह आचार्य, पूर्व उप निरीक्षक JP यादव, कुमार पाल यादव, रोहन सामाजिक, दिनेश यादव, राम खिलाड़ी यादव आदि को पटका पहनाकर व्यास जी द्वारा स्वागत किया गया। बिलारी के सभी भक्तों का सहपरिवार कथा में विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर पहुंची ओम कृष्ण शास्त्री जी की बहन व पत्नी ने बताई कथाकार के बारे में दी जानकारी। कथा में मुख्य यजमान मेघराज सैनी, उप यजमान डॉक्टर रामशरण सिंह, रामवीर सिंह यादव, सोमपाल सिंह तोमर, देवेंद्र तोमर, डॉक्टर अंकित यादव, डॉक्टर राजू यादव, जगबीर यादव आदि समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पंडित विनोद कुमार मिश्रा ने किया। एक सैनिक बोला, ये कौन है? इनका पीतांबर देखो कितना सुंदर है। दूसरा सैनिक बोला, अरे पीतांबर क्या देखते हो, इनकी पादुका देखो कितनी सुंदर है। और गोविंद जैसे ही रुक्मिणी के पास पहुंचे तो तुरंत ही रुक्मिणी जी ने गोविंद के गले में माला डाल दी। बोली, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब रुक्मिणी रथ में बिठा करके गोविंद लेके जा रहे हैं और आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस दृश्य का आप नेत्र बंद करके दर्शन कीजिए। लगाम उनके हाथ में है और जा रहे हैं। पीछे उनका भाई रुक्मिणी हजारों की संख्या में सैनिकों को लेकर पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। अब सब कह रहे हैं, ले गया ले गया ले गया ले गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि क्या ले गया। तो मैं प्यास पीठ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका पति आपके अनुरूप ही प्राप्त होगा। और रुक्मिणी देवी जो है उन्होंने भी इसी मंत्र का जप किया। रूप दे भगवान कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। जिसके जीवन में नाम हिंदू शर्मा है। अच्छा मैडम, जैसे अभी जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और जो आचार्य श्री ओम कृष्ण शास्त्री जी जो है आपके भाई हैं, तो वो कथा करते हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं उनके
द्वारा ये कहूंगी कि जो अमृताशी उनकी कथा चल रही है, उनकी प्रथम कथा है ये, उसका श्रवण सभी भक्त लोग कर रहे हैं और उनके मुख से ये श्रीमद् भागवत का जो वचन है, जो प्रवचन है, उनको सुनकर बहुत आनंदमय आनंद मिलता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। भगवान में हो जाते हैं, कृष्ण में हो जाते हैं। वैसे हम यहाँ से नहीं है, हम मथुरा से हैं सब लोग। अच्छा। हाँ, और जो उनके मुख से जो श्रीमद् भागवत के वचन सुनकर तो मन गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। तो शास्त्री जी वो कितने वर्षों से भागवत कथा कर रहे हैं? भागवत कथा की तैयारी तो उन्होंने अभी फिलहाल में ही की है, लेकिन वो वेदों का जो ज्ञान है उन्हें वो 12 साल की उम्र से है। उन्होंने बाहर जाके इसकी तैयारी की है, बाहर जाके इसकी पढ़ाई की है। जी जी। तो तब से ही वो इस लाइन में है। वेदों का ज्ञान उन्हें बहुत ज्यादा है। रुद्राभिषेक भी कराते हैं, वो ग्रह शांति भी कराते हैं, सारे वेदों का फुल ज्ञान है उनके अंदर, फूट फूट के भरा हुआ है। तो और क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या ही मैसेज दूँ, बस भगवान की कृपा है जो भी उन पर है, ऐसे ही सब पर जो सुनने वाले भक्तगण है उन पर भी ऐसी बरसती रहे। बस यही कहूंगी, हर रोज अमृताशी में ऐसी कथा हो, सब आनंदमय हो, सबको बहुत अच्छा लगे जैसे मुझे लग रहा है। जी जी। मैं बहुत भाव भी उठी आज अपने भाई के मुख से ये वचन, ये कथा सुनकर श्रीमद् भागवत का, बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। मैडम क्या नाम है आपका? नाम रिया। अच्छा, जैसे अभी शास्त्री जी भागवत कर रहे हैं और आपके पति हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको जब शास्त्री जी भागवत करते हैं? तो बहुत खुशी होती है। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है, बहुत कुछ होता है। हमारे माता पिता का नाम हो रहा है, हमने बहुत अच्छी बात है, और हिंदू धर्म का नाम हो रहा है।